जितना हम लोगों को लगता है कि हिंदी सरल है, अभी हमको लिखने के लिए दे दिया जाए और कोई अच्छा वार्ताकार या शिक्षक कोई चेक करे, तो हम लोगों को सबसे ज़्यादा गलतियाँ किसमें होती हैं? विराम चिन्ह में, ठीक है? क्योंकि किसी भी शब्द वाक्य वाक्यांश का जो अर्थ है, हम लोग विराम चिन्हों के माध्यम से ही उस अर्थ को समझ पाते हैं। आप जैसे कोई आपसे कहे, मान लिया आपका साथी है, भाई हम दादी गए थे, क्या होता है यार, फोटो खिंचानी थी, उसके साथ नहीं खिंचा पाए, बहुत काफी लोग थे, समय नहीं मिल पाया। अब इस वो बोलता चला गया, जैसे हमने कहा क्या होता है यार, शादी में गए थे, फोटो खिंचानी थी, उसके साथ लेकिन नहीं खिंचा पाए, समय नहीं मिल पाया, कुछ लोग अपने लोग थे वहां पे। अब ये बात सारी उसने एक बार में कह दी, अब आपके क्या समझेंगे उसकी बात? भाई मैं आप जैसे उसने कहा मैं शादी में गया फोटो खिंचानी थी, अब रुकता मैं शादी में गया था फोटो खिंचानी थी, तो आप कहते भाई किसके साथ खिंचानी थी? भाई जब तक हम वाक्य या वाक्यांश में रुकेंगे नहीं, तब तक हम किसी भी वाक्य या शब्द के अर्थ को हम नहीं समझ पाए, ठीक है? देखिए विराम चिन्ह और वाक्य जो है इनका बहुत अच्छा तालमेल संबंध है, जैसे शर्ट का पैंट के साथ और पेंट का बेल्ट के साथ और शिक्षक का पेन के साथ। इसलिए विराम चिन्ह अगर हमारी लेखन शैली में नहीं सही है, जो आपका मुख्य परीक्षा में जो विषय होगा, जो हिंदी का पेपर होगा, आप यहाँ जो सब लिख के आप देखिए क्या होता है। हम लोग जो है अब जैसे लिख देते हैं जयशंकर प्रसाद की रचना है, ठीक? अब एकदम ऐसे कह दिया कि कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है, तो ऐसे हमको नहीं बोलना है भाई। आपने किसी से कहा कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है, कुछ देर के लिए आपको रुकना है। कैसे? कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना, इस तरीके से बोलना, यानी कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना। देखिए हिंदी इतनी सरल है, उससे कई गुना ज्यादा गलत बोली जाती है। कोई ऐसा जो स्टूडेंट शिक्षक बहुत ही रेगेज में जो है 100% हिंदी को सही बोलते होंगे, ठीक है? तो विराम चिन्ह जो है इनका प्रयोग हम लोग हिंदी भाषा की लेखन शैली में प्रयोग करें, ठीक? कोई भी हमको ग्रंथ लिखना है, कोई भी अपने वाक्य लिखने हैं, कोई भी अपने भावार्थ लिखने हैं, ठीक है? कोई भी अपने जो है वाक्य हमारे मन में जो निर्मित हुए हैं, जो हमारी विचारधारा में जिस प्रकार के शब्दकोश उत्पन्न हुए उनको लिखने के लिए हमको विराम चिन्ह की बहुत आवश्यकता, ठीक? मुख्य परीक्षा में विराम चिन्ह को विशेष रूप से ध्यान में रखना है। वहां पे आपको विराम चिन्ह जो एग्जामिनर होगा वो यही सारी चीजें पकड़ता है। लोग कहते हैं कि मेंस में हमने लिखा तो बहुत अच्छा था लेकिन मेरा रिजल्ट नहीं निकल पाया, हो नहीं पाया। उसका कारण यही होता है कि अगर आप कहीं किसी भी कोई वो पद है या अनुच्छेद है उसमें आपने लिखा है कि कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है, बीच में ऐसे लिख दिया, तो जो एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा वो यहाँ पे आपकी गलती निकालेगा, क्योंकि विराम चिन्हों के माध्यम से हम किसी शब्द को वाक्य को या वाक्यांश को उसके अर्थ के अनुकूल उसको हम लोग लिखते हैं। लिखिए विराम चिन्ह की परिभाषा लिखिए। देखिए अगर लिखने में किसी को कोई समस्या ना हो तो लिखाएं, अन्यथा बताओ मैं ऐसे ही समझता हूँ। अगर आपकी लिखने की इच्छा देखिए, कुछ लोग ऐसे हैं मुझे देखिए चेहरे से पता चल जाता है, जिसकी इच्छा हो लिखे, जिसकी इच्छा हो। जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो या ऐसे ही कैच कर ले, कोई मतलब नहीं हमारा, ठीक? बाकी आपकी इच्छा है, लिखिएगा।
विराम चिन्ह। वार्ताकार वार्ता करते समय बीच बीच में कहीं अधिक और कहीं थोड़ी देर के लिए ठहरता या रुकता है। ऐसा करने से उसका प्रयोजन अर्थ को भली भांति समझाना या समझना होगा। ठीक, नहीं लाइन लिखना। विराम चिन्ह को विराम चिन्हों के प्रयुक्त ना होने पर अर्थ समझने में भ्रम हो जाने का डर होता है। क्या है विराम चिन्ह जो है, जब वार्ताकार या वक्ता अपने विचारों को प्रकट करता है या बताता है और बीच बीच में जो यति या गति अपनी लय को रोकता है, तो उसका अर्थ यही होता है कि अपने वाक्यांशों के अर्थ को समझाने का प्रयास करें। क्योंकि विराम चिन्हों के ही माध्यम से हम शब्द के वाक्य का और वाक्यांशों का अर्थ समझ पाए। अगर विराम चिन्ह सही से प्रयोग नहीं होंगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। ठीक, देखिएगा इसे। तुम खेलो मत स्कूल जाओ। ठीक, तुम खेलो मत स्कूल जाओ। फिर इसके नीचे हमने लिख दिया, तुम खेलो मत स्कूल जाओ, तुम खेलो मत स्कूल जाओ, तुम खेलो मत स्कूल जाओ। बताइए आप पीछे, आप बताइए इसमें आपको कोई भेद लग रहा है, कोई परिवर्तन है दोनों वाक्यों में? बताइए कुछ परिवर्तन लग रहा है इसमें अभी आपको? थोड़ा तेज बोलिए, इधर आ जाइए, कोई परिवर्तन नहीं। ठीक, बैठ जाइए, बिल्कुल सही कहा। देखिए यहां पर भी लिखा है तुम खेलो मत स्कूल जाओ और नीचे भी लिखा है तुम खेलो मत स्कूल जाओ। ठीक है, अब हमने क्या किया, ये क्या हो गया, अल्पविराम है ना, तो क्या हुआ, तुम खेलो मत स्कूल जाओ, तुम खेलो मत स्कूल जाओ। ठीक है, ठीक है, फिर
तुम खेलो मत स्कूल जाओ, फिर यहां पर मैं लगा दिया नहीं। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, पहले वाक्य का अर्थ क्या है, दूसरे वाक्य का अर्थ क्या है। पहला क्या कह रहा है, तुम खेलो मत स्कूल जाओ, मतलब तुम खेलो ना स्कूल जाओ। दूसरा कह रहा है तुम खेलो स्कूल ना जाओ, स्कूल ना जाओ। तो जो है विराम चिन्ह अगर हम सही से प्रयोग नहीं करेंगे तो जो है अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। ठीक है, ये चीज है। देखिए विराम चिन्ह अपने आप में बहुत मायने रखता है, और ये कोई भी ऐसा होगा जो सही से प्रयोग करता हो, बहुत ही कम लोग कर पाते हैं। ठीक, कहीं कहीं आपको चार पेज लिखने के लिए दे दिए जाएंगे। ये देखिए हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन की जो परीक्षाएं होती हैं हमारी एकेडमिक, उनमें इनका ज्यादा रोल नहीं रहता, क्योंकि वहां पे तो बस बोले बस मारा इसे नंबर दे दिए। लेकिन ये जो आपकी मुख्य परीक्षाएं होती हैं और जो आपका इंटरव्यू होता है, चाहे आप फायर में जाएंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, ठीक है, या आप सिविल सर्विस में जाएंगे मुख्य परीक्षा देंगे, तो उसमें जो है ये बहुत मायने। ठीक है, अब समझ आया कि विराम चिन्ह का कितना काम है। ठीक है, विराम चिन्ह को बहुत अच्छे से समझ कर प्रयोग करना है हमको। ठीक है, लिखिएगा विराम चिन्हों की संख्या, हिंदी में विराम चिन्हों की संख्या विराम चिन्हों की संख्या कांता प्रसाद, नाम सुना है, कांता प्रसाद गुरु के अनुसार हिंदी में विराम चिन्हों की संख्या कांता प्रसाद गुरु के अनुसार इनकी संख्या कितनी है, बाईस कौन बोला था, कितनी है, 20 है। हिंदी में विराम चिन्हों की संख्या कांता प्रसाद गुरु के अनुसार 20 है। ठीक है, ये जो है आपके किस भाषा से लिए गए हैं, अंग्रेजी भाषा, नोट कर लीजिएगा, विराम चिन्हों को अंग्रेजी भाषा से लिया गया है। ठीक है, अब ये नोट कर, इस नोट कर लिया ना, मिटाए। ठीक है, क्या है, कांता प्रसाद गुरु के अनुसार हिंदी में विराम चिन्हों की संख्या 20 है, इनको अंग्रेजी भाषा से लिया गया है। ठीक है, और देखिए आप लोग बोलिए, ऐसा होता ना कभी क्या बात देखना, जो हम लोग कोई बात कहते हैं तो बोलते चले जाते हैं, तो फोन से जब से बात करो या किसी से ऐसे आमने सामने बात करो तो विराम चिन्हों का ही जब हम प्रयोग नहीं करते हैं तब लोग कहते हैं क्या कह रहे हो, क्या कहा, क्या कह रहे हो, कहते ना क्या कहा आपने, वहां पे हम लोगों की कोई आवाज में परिवर्तन नहीं होता, अब लोग विराम चिन्हों का ही प्रयोग नहीं, जहां पे हमको ठहरना होता है वहां पे हम ठहरते नहीं। ठीक, इसीलिए जो सामने वाला व्यक्ति होता है वो हमारे शब्द या वाक्य या विचारों को समझ नहीं। ठीक है, लिखिएगा हिंदी में किसी को कोई दिक्कत हो, कोई चीज ना समझ में आए, देखिए मैं कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं हूं, ठीक है, जो सही ही बोलता चला जाओ, हो सकता है कहीं पर कोई चीज मिस हो, आप लोग उसको बता दें। ठीक है, हिंदी में निम्नलिखित
चिन्ह है, ठीक। पहला क्या है? अल्पविराम, अल्पविराम। दूसरा क्या है? पूर्ण विराम। तीसरा क्या है? अर्धविराम। फिर आपका है चौथा है अपूर्ण विराम। इसी को हम न्यून विराम कहते हैं, न्यून विराम, ठीक है। अगला है सर अर्धविराम का चिन्ह क्या है? अच्छा ठीक है, ठीक है। फिर आपका है अपूर्ण विराम, इसी को हम न्यून विराम, इसी को हम विवरण चिन्ह कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? विवरण चिन्ह, विवरण चिन्ह, ठीक है। इसका ये निशान है, ठीक है। फिर अगला है विस्मय बोधक चिन्ह, विस्मय बोधक विराम चिन्ह, विराम चिन्ह, ठीक है। अगला है संबंध बोधक विराम चिन्ह, साफ दिखाई पड़ रहा है? संबंध बोधक विराम चिन्ह, ठीक है। ये थोड़ा सा विस्मय बोधक से छोटा होता है, ठीक है। अगला होता है योजक चिन्ह, दिखाई पड़ रहा है? इसलिए आपको थोड़ा, जो लोग इधर बैठते हैं, आप लोग इधर बैठ जाएंगे, नहीं जगह कहीं बैठ जाएंगे, नहीं नहीं ऐसा होता ना, अभी हम लोग हाई स्कूल लेक्चर पास करते हैं ना, जहाँ भी बैठना है वहीं पर बैठना है, ठीक है। ये तो दिख रहा होगा आपको, सभी लोगों को, सभी लोगों को लिया आपका, देखिए जहां पे जगह खाली पड़ी हो वहां पे आप लोग बैठ जाइए, कोई जरूरी थोड़ा ना कि जो जहां बैठता वो वहीं पे बैठे जी। मैंने कहा ना ये थोड़ा सा इससे छोटा होता है, इससे जो ये थोड़ा सा छोटा होता है, ठीक है। ये चीज और कुछ नहीं, अगला क्या है हमारा योजक चिन्ह। देखिए इनको आप लोग बहुत अच्छे से पढ़िएगा, जो यहाँ पे पढ़ाया जाए उससे और कहीं अधिक पढ़ना घर पे जाके, क्योंकि इसका बहुत प्रयोग मुख्य परीक्षा में। आप ये मान लीजिए आप चाहे इतना अच्छा मैटर लिख के आइएगा, फिर आप अगर विराम चिन्ह सही से नहीं प्रयोग किए तो फिर रिजल्ट जरूर गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें बारीकियां देखी जाती है परीक्षा में, ठीक है। आपका योजक चिन्ह, योजक चिन्ह कैसा होता है निशान? ये जो है हल्का सा छोटा, ठीक। फिर अगला क्या है? लोप चिन्ह, लोप विराम चिन्ह, लोप विराम चिन्ह। कोई बता सकता है लोप विराम चिन्ह कैसा होता है? जो भूल जाते हैं जी, वैसे होना चाहिए कैसा? से होता नहीं कहते कि जैसे कोई चीज लिखी जाती है, हम लोग पहले संकेत या वो लिखते थे प्रसंग, हाई स्कूल इंटर में जो संकेत वो प्रसंग और संकेत लिखते थे, कहते थे यहाँ से जैसे महात्मा गांधी से शुरू हुआ शुरुआत से और देश आजाद हुआ था ये लास्ट में लिखते थे, ठीक है। ये होता है
ये होता है, ठीक है, ये होता है, ठीक है, फिर आपके देखना देखा होगा शायद आधार कार्ड या बैंक की खाता पासबुक में भी शायद ये बूढ़ा जैसा निशान लगा होगा, ठीक है, ये होता है। फिर आपका अगला चिन्ह है लाघव, कौन सा, लाघव विराम चिन्ह, यह आपका अंडा जैसा होता है, गोल, ठीक है एकदम, जैसे हम लोग नहीं लिखते हैं, बताइए लाघव चिन्ह का कोई प्रयोग करके दिखाया हमको जरा बताएं जी, ठीक है, जैसे डॉक्टर, हम लोग उत्तर प्रदेश को यूं लिखते हैं, उत्तर रेलवे पूरे लिख देते हैं, छोटे थे हम कहते थे ये ट्रेन पे यार पूरे क्या लिखा होता है, अरे कक्षा 6-7 आठ में पढ़ते थे जो स्कूल के पास से ट्रेन गुजरती थी तो वो कहते थे यार ये ट्रेन पे पूरे क्या लिखा होता है, नहीं समझ में आता, ठीक है, तो ये धीरे धीरे जो है चीजें जी बताइएगा, आप बताइएगा जो भी आप कहना कह सकते हैं, ठीक है, ठीक है, ये आपका और ठीक है। अगला फिर क्या है, लागा हो गया, लोक हो गया, योजक हो गया, फिर आपका विवरण चिन्ह, विवरण चिन्ह, ठीक है, विवरण चिन्ह ये आपका होता है ये, ठीक है, और एक और बचा भी प्रश्न विराम चिन्ह, प्रश्न विराम ठीक है। अगला क्या है, प्रश्न विराम चिन्ह, इसका कैसा निशान होता है, दो के आकार का, ये प्रश्नवाचक नहीं कहते, हाँ उसी को प्रश्न, देखिए हिंदी जो है हिंदी पढ़ने का मतलब ही क्या रहा जो है, हम उसका सही से जो है उसका जो हमारी प्रयोग में जो चीज लेते हैं, जैसे जो प्रश्न क्या बोला था आपने, प्रश्नवाचक, ये ऐसा लगता है कहीं ऐसा लगता है कि उच्चारण की दृष्टि से कि ऐसा लग रहा है किसी दूसरी भाषा से शब्द लिया गया, क्योंकि हम लोग कहते हैं ना आप हमेशा कहते हैं कोई जब प्रश्न करते हैं तो इसको हम इसी तरीके से प्रयोग करते हैं, जैसे कहते हैं भारत का प्रधानमंत्री कौन है, तो यहाँ पे जो है क्योंकि विराम चिन्हों के ही माध्यम से शब्द के और वाक्यांश के और वाक्य के अर्थ को समझते हैं और उसका उत्तर देते हैं, भाई जब यहाँ पे जैसे लिखा होता है भारत का प्रधानमंत्री कौन है, उसके बाद में ये निशान लगाया जाता है, तब हम लोगों का समझ में आता है कि हाँ भाई आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है कि भारत का प्रधानमंत्री कौन है, ठीक है। अब जैसे विवरण में कभी कभार जैसे लिख दिया गया भारत का प्रधानमंत्री और विवरण लिख दिया गया, ऐसे निशान लगा दिया विवरण का, तो इसमें क्या लिखना है, भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, ये इस पार्टी से हैं, ये इतने लोग इस जो है इस संख्या की लोकसभा के जो है मेंबर, ठीक है, नेता प्रतिपक्ष के नेता सदन, ठीक है, इस प्रकार से। अब लिखिएगा पहला चिन्ह हमारा कौन सा है, अल्प विराम, अल्प विराम, अल्प विराम का निशान कैसा था, इसको हम लोग इन्वर्टेड कामा बोलते हैं इंग्लिश में, लिखिएगा इसकी परिभाषा लिखिए, वाक्य जब वाक्य में किसी को परिभाषा लिखने में कोई समस्या हो बताओ, दिक्कत नहीं होती भाई, मान लिया अगर लिखने की ऐसे हो गया आपको समझ में हो सकता है लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, ज्यादा में लिखने में आगे भी काम आए, देखिए ये आप लोग लिख लो तो आगे भी काम, आगे भी काम आए जी, ठीक है, जैसा आप लोग हमको बताइए, ये कुछ लोग हैं भाई होशियार है, हो सकता है उनको दिक्कत लग रही हो, क्योंकि हम कहेंगे किसी से नहीं, जिसकी इच्छा हो लिखिए, जिसकी इच्छा हो ना लिखिए, लिखिएगा परिभाषा, अल्प विराम चिन्ह किसी को हम अपूर्ण विराम चिन्ह कहते हैं, ठीक है, उसको लिख लो अल्प विराम चिन्ह और हेडिंग में लिख लीजिएगा अपूर्ण विराम चिन्ह, उसी का दूसरा अपूर्ण विराम चिन्ह, ठीक है, यहाँ पे लिखा हो अल्प विराम चिन्ह अपूर्ण विराम चिन्ह,
उसका निशान लगा लीजिएगा। नहीं इसको इसको तो किताब में देखिए, मैं डॉक्टर गोपीनाथ पांडे का नाम सुना है आपको, मैं हिंदी किताबों से पढ़ता हूँ, पढ़ा हूँ, ठीक है। दो चीज आपको बताऊंगा, सही बताऊँ, हो सकता है कोई चीज मिस हो जाए बच्चा, उसको आप लोग हम गलत करते हैं, लेकिन आप गलत पढ़ना भी। पहली बात, टीचर का काम यही होता है कि वो गलत पढ़ाएंगे, जब उनको गलत नहीं पढ़ना है तो गलत पढ़ने को परिभाषा वाक्य में जब क्षण भर ठहरने का समय आता है, वाक्य में जब क्षण भर ठहरने का समय आता है तब वहां अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। देखिए हिंदी भाषा में अल्प विराम चिन्ह का ज्यादा प्रयोग, ठीक है। और सबसे ज्यादा गलती हम लोग इसी में करते हैं, क्योंकि जब हम प्रश्नवाचक या प्रश्न विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं तब भी हम रुकते हैं, लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं तब भी हम रुकते हैं, ठीक है, और पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं तब भी हम रुकते हैं। लेकिन जब अल्प विराम चिन्ह की बात आती है तब हम लोग रुक रही है। जैसे हमने आपसे कहा इस क्लास में अनिल पूर्णिमा रितिका, ठीक है, अनिल पूर्णिमा रितिका सूरज अनिल, ठीक है, ये लोग पढ़ते हैं, वह रुका नहीं एकदम कहता चला, ठीक है। तो अल्प विराम चिन्ह जो है ज्यादातर हम लोग प्रयोग करते हैं और प्रयोग करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अपनी भाषा शैली में अल्प विराम चिन्ह का आप हंस लीजिएगा पहले, आप मैं फिर पढ़ाऊंगा, बात कर लीजिए बात है। देखिए जिसको जो मां समझ में जो ज्यादा अच्छा वो बात आ सकता है, मुझे कोई एतराज है, मुझे जो मिलना है वो मिलेगा, ठीक है। ताकि आप समझदार हो, आपने देखा होगा दरोगा के पास जाओ रट चल दिए साले बाउंडर बना के, आईएएस के पास जाओ क्या कहता है बताइए क्या होता है। तो आप लोग उस प्रकार का व्यवहार समझ लो, हंसी की कोई वो बात नहीं, हंसी आप जस हंसी, देखिए हंसेंगे नहीं तब भी बेकार और ज्यादा हंसेंगे तब भी बेकार, समय नजर पर जी क्या बोले भाई कौन सी बात कही जब बताइए आप कौन सी बात कही मैंने हंसी, तो अभी कही ना, अभी मैंने कही कब, जब हम लोगों ने आपको समझाने का प्रयास किया, ठीक है। बाकी हंसने के लिए कोई वो नहीं, ऐसा होता है ना, जैसे ऐसा होता है आप हम टीचर जो होता है स्टूडेंट की तरफ देख कर पढ़ाता है, मान लीजिए जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आपके मन में कुछ और चल रहा है, मैं भी आपको देख कर भ्रमित हो जाता, ठीक है। तो ये चीज है, बाकी हंसने के लिए कोई दिक्कत नहीं, आराम से कल से 10 मिनट मिलेगा आप लोगों को, अच्छे से हंसिएगा, तो अच्छा हंसिएगा वो बिल्कुल बता, क्या लिखा नई लाइन लिखिएगा, जब वाक्य में दो से अधिक अवतरणों प्राकृत में गद्य पद्य में इन्वर्टेड कॉमा के अंदर और यही प्रश्न अल्प विराम के अंदर और क
का बोध कराने वाले शब्द हूं वहां अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। आपका क्या नाम है? सचिन। क्या लिखा? करने वाले शब्द हूं वहां अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, प्रयोग करते हैं। ठीक, जैसे इसको मिटाया जाए, ऐसा होता है। क्या परिभाषा लिखी? अल्प विराम चिन्ह। जब किसी वाक्य में क्षण भर के लिए ठहरने का समय लिया जाता है, वहां के जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन चिन्हों को हम अल्प विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक, जैसे कल मेरे साथ सोनम काजल कंजिका मेरे साथ बाजार गई थी या मेला गई, बाजार गई थी। ठीक, बाजार क्या लिखा है? कल मेरे साथ सोनम काजल कंजिका मेरे साथ बाजार गई। यहां पे ठीक है, कल मेरे साथ सोनम काजल कंजिका मेरे साथ बाजार गई। ठीक है, अब क्या? कल मेरे साथ सोनम, ठीक है, काजल मैंने पढ़ लिया, सोनम काजल। ठीक है, यहां पे और कल मेरे साथ सोनम काजल और कंजिका बाजार गई। और का लोप हो रहा है, और की जगह पे हम लोग अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अल्प विराम चिन्ह दो शब्दों के मध्य और का लोप करता है। ठीक है, कल मेरे साथ, इसी प्रकार से जैसे कल मेरे साथ सोनम, देखिए सोनम और काजल और एक वाक्य में दो बार और को हम प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए हम लोग ये चिन्ह यहां की बजाय यहां पे लगाते हैं। अब क्या है अदिति, अगर ऐसे पढ़ोगे कल मेरे साथ सोनम, ये इसका अर्थ है और, कल मेरे साथ सोनम और काजल और कंजिका गई थी बाजार, कैसा लग रहा है? अस्तु लग रहा? ठीक है, कल मेरे साथ सोनम काजल और कंजिका मेरे साथ बाजार गई। ठीक, ये अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग सर। फिर भी गलत है, मेरे सर शब्द दो बार आ रहा है। कंजिका मेरे साथ बाजार गई थी, इसका देखिए यहाँ पे मेरे का अर्थ वो चीज नहीं, यहाँ पे लोप की बात हो रही है, और लोप हो रहा, और को हम दो जगह प्रयोग नहीं कर सकते। सर वैसे तो अशुद्ध है ना जी, वैसे तो ये बात कल मेरे साथ सोनम काजल और हाँ मेरे सही। ठीक है, अगला उदाहरण लिखिएगा, मोहन अगला वर्ण है, मोहन सच्चा ईमानदार और निडर है। ठीक है, मोहन सच्चा ईमानदार और निडर। ठीक है, अब यहां पे जैसे मोहन सच्चा ईमानदार, ठीक है, यहां पे और
ठीक है। अब जैसे मान लिया हमें और का अगर लोप कर रहा है तो ये यहाँ के बजाय यहाँ पे लगा देंगे, मोहन सच्चा ईमानदार और निडर, ठीक है। कोई किसी प्रकार को समझ, कोई गलती तो नहीं है, समझ आ रहा सब लोगों को, ठीक है। अगला चाहिए उदाहरण, लिखिएगा नहीं जाएंगे, जिन वाक्यों में थोड़ा तेज बोलिएगा ये तो क्या सुना जा रहा है वो बताओ। मोहन सच्चा ईमानदार और निडर है, मतलब मोहन सच्चा है, ईमानदार है और निडर है। और जी देखिए बात यह, और जो है हम यहाँ पे और का लोप करेंगे तब लगाएंगे यहाँ पे। हमने कहा ना जब दो वाक्यों में और के लोप करने के लिए अल्प विराम चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं। अगला उदाहरण लिखिए, नहीं समझ आ रहा सबको हटा दिए, चलिए हटा दीजिए, उदाहरण हटा दो जी, नहीं समझ आ रही। अगला उदाहरण लिखिएगा, ठीक है लिखिएगा, जिन वाक्यों में नहीं रहेंगे, जिन वाक्यों में कथा फिर भी तब तो कब अलग है तो अलग है, आदि का लोप हो वहां पर अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। क्या लिखा, जिन वाक्यों में तथा फिर भी तब तो आदि का लोप होता है वहां अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ठीक है उदाहरण लीजिएगा, यद्यपि यद्यपि मैं वहां गया था यद्यपि मैं वहां गया था मुझे वह मिल ना सका, क्या है, यद्यपि मैं वहां गया था मुझे वह मिल ना सका, ठीक है। हमने क्या पढ़ा, जिन वाक्यों में तथा तब तो का लोप होता है उन वाक्यों पे हम अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ठीक है। यद्यपि मैं वहां गया था, अब क्या आ रहा, फिर भी मुझे वह नहीं मिल सका। भाई इस जगह पे फिर भी का लोप है ना, फिर भी को लोप करके ही तो अल्प विराम चिन्ह हमने लगाया यहाँ पे, क्यों भाई, यद्यपि मैं वहां गया था फिर भी मुझे वह मिल ना सका, फिर भी का लोप हो गया अल्प विराम चिन्ह का हमने, चाहे आप फिर भी लिख दो कोई कंफ्यूजन आप बता सकते, आगे आ जाओ आप, मुझे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आपको ही लग रहा है। देखिए आप पूछ सकते हैं, मैं कहा कोई मैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं हूं, चेहरे से पता चल जाता है, यद्यपि मैं वहां गया था फिर भी मुझे वह मिल ना सका, ठीक है। अगला उदाहरण लिखिएगा, जब तुम मैदान में आ गए जब तुम मैदान में आ गए जब तुम मैदान में आ गए अल्पविराम
डरने की क्या बात है? क्या है, क्या कह रहा है? जब तू मैदान में आ गए डरने की क्या बात है? ठीक है, अब क्या हो रहा है, किस चीज का लोप हो रहा है? अल्पविराम चिन्ह का, अल्पविराम चिन्ह प्रयोग हो रहा है, किस चीज का लोप हो रहा है? जब तू मैदान में आ गए तो डरने की क्या बात है? ठीक है, यहां पे तो चाहे आप वो लिख सकते हैं, चाहे आप अल्पविराम का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, सुन रहे सब? अगला उदाहरण लिखिएगा, उदाहरण क्या नहीं आई, तिथि अथवा ईस्वी, तिथि अथवा ईस्वी वर्ष संवत आने पर इस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ईस्वी संवत वर्ष आने पर इस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे जैसे 26 जनवरी 26 जनवरी 1949 को संविधान क्या हुआ था जी, तैयार हो गया था? छब्बीस जनवरी 1949 को पूर्ण तैयार हुआ था, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था जी, हाँ सॉरी 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ था। ठीक है, इसलिए कहते थोड़ा बहुत आपको ध्यान देते रहो, कुछ ही मिस हो सकते। 26 जनवरी 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ, ये क्या 26 नवंबर 1949, यहाँ पे आपको अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग हुआ। ठीक, अगला चिन्ह लिखिए, कोई दिक्कत इसमें किसी प्रकार की, कोई कंफ्यूजन हो बता सकते हैं आपको। ठीक है, ठीक, अगला अगला हमारा विराम चिन्ह है अर्ध विराम चिन्ह। आपने लिखा क्या था, उसमें देखो पहले आपने लिखा क्या था, सीक्वेंस में क्या लिखा था, दूसरा चिन्ह क्या था, पूर्ण विराम, हाँ पूर्ण विराम चिन्ह, पूर्ण विराम की परिभाषा लिखो। सामान्यता जहां वाक्य की सामान्यता जहां वाक्य की गति समाप्त हो, जहां सामान्यता वाक्य की गति समाप्त हो जाए वहां पूर्ण विराम चिन्ह लगाया जाता है या उपयोग किया जाता है। किसी वस्तु अथवा नहीं ध्यान देखना है, किसी वस्तु अथवा व्यक्ति का जीवंत चित्रण करते समय वाक्यांश के अंदर इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगला लिखिएगा, अगली लाइन से चौपाई दोहा कवित्व सवैया सोरठा में इसका प्रयोग होता है।
क्या लिखी परिभाषा हमने, सामान्यता जहां वाक्य की गति समाप्त हो जाए वहां पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसी वस्तु अथवा व्यक्ति का जीवंत चित्रण करने के लिए जिन वाक्यों में उसका चरित्र या उसका वो लिखते हैं वैचारिक विचार, वहां पर जो है पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। प्लस छंद में आपके दोहा, सवैया, सोरठा, कवि, इन जगह पे पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, देखा होगा चौपाई वगैरह में, हर जगह पूरी रामायण में हर जगह विराम चिन्ह था, पूर्ण विराम चिन्ह, दोहा में हर जगह पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण में लिख लीजिएगा, जैसे राम स्कूल जाता है, वाक्य अपने आप में पूर्ण, देखिए ये विराम चिन्ह ही बताता है कि वाक्य पूर्ण है या अधूरा है। ठीक है, वाक्य ही बताता है कि हमारा जो है प्रश्न या वाक्यांश पूर्ण है या भावार्थ पूर्ण है या अपूर्ण है, ये हम विराम चिन्हों के ही माध्यम से जान पाते। ठीक है, जैसे राम स्कूल जाता है, बाकी आपके दोहा है, छंद है, सोरठा है, जितनी भी पंक्तियां हैं सारे इसी पूर्ण विराम के अंदर। ठीक है, कोई दिक्कत? अगला क्या है? अर्ध विराम। अर्ध विराम की परिभाषा क्या है? जब किसी वाक्य का एक दूसरे से संबंध हो, ठीक बोल रहे, बोलिए बोलिए बताइए कौन बोल रहे। जब किसी वाक्य का एक दूसरे से संबंध हो किंतु बात अधूरी हो, जब किसी वाक्य का एक दूसरे से संबंध हो किंतु बात अधूरी हो, वहां पहले वाक्य के अंत में अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे मोहन कानपुर चला गया। ठीक है भाई, ये वाक्य विचार जब भी आए होंगे जब दो लोग आपस में बात कर रहे हैं। भाई ऐसे तो हम नहीं अपने आप से बात कर सकते हैं कि मोहन कानपुर चला गया। जब दो लोग आपस में बात कर रहे हैं तो हमने कहा मोहन कानपुर चला गया, वाक्य अभी अधूरा, इसका अभी अर्थ पूर्ण नहीं। ठीक, मोहन कानपुर चला गया, आप बेफिक्र रहो। देखो मोहन कानपुर चला गया, अर्ध विराम का चिन्ह लगाओ, मोहन कानपुर चला गया आप बेफिक्र रहो। अगला कारण, वह एक परिश्रमी बालक है, ये बात का अधूरा है अर्थ की दृष्टि से। क्यों बने जी? वह एक परिश्रमी बालक है, अर्ध विराम का चिन्ह लगाओ, ऐसा उसके माता पिता कहते हैं। ठीक है, अब वाक्य का अर्थ पूर्ण हुआ। भाई हम किसी के बारे में बता रहे हैं, दो लोग आपस में बात कर रहे होंगे, दो लोगों ने तुलना की होगी किसी बात को लेकर, तब बात वहां से निकल आई कि आपका बालक परिश्रमी है, या बालक परिश्रमी है ऐसा उसके माता पिता कहते हैं। ठीक है, कौन है क्यों भाई? विकन जी, अगला कौन सा है लिखिएगा? अपूर्ण विराम चिन्ह को हम विवरण चिन्ह भी कहते हैं। अपूर्ण विराम चिन्ह को
देखिए चिन्हों को विशेष का ध्यान रखिएगा, विराम चिन्ह में जब तक आपको टिक चिन्ह नहीं मालूम है तब तक आप सही से प्रयोग नहीं कर पाएंगे, उसको विशेष तौर पे पढ़िए। यहाँ पे तो मैंने बहुत कुछ ठीक मतलब अभी बहुत कुछ बाकी है, इसको कम से कम 3 से 4 दिन लगेगा पढ़ाने में, एक एक विराम देने के कम से कम 20-25 आपको जो है उदाहरण दी जाए तब समझ में आएगा अच्छे से। ठीक है, समझ में आया क्या लिखा? अपूर्ण विराम चिन्ह को विवरण चिन्ह भी कहते हैं। परिभाषा लिखिए, जब किसी विषय को विस्तार में समझाया जाता है अथवा तथ्यात्मक विवरण प्रस्तुत किया जाता है तब वहां अपूर्ण विराम चिन्ह विवरण चिन्ह का प्रयोग होता है। क्या लिखा परिभाषा? जब किसी विषय को विस्तार में समझाया जाता है अथवा तथ्यात्मक विवरण प्रस्तुत किया जाता है तब वहां पे अपूर्ण विराम चिन्ह या विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे निम्नलिखित बातों पर विचार कीजिए। ठीक है, ये आपका विवरण चिन्ह हो गया। देखिए इधर आप लोग, निम्नलिखित बातों पर विचार कीजिए। कभी कभार ऐसा होता है कि हम लोग इसको हटा के ये लगा देते हैं, ये गलत है, ये जो बोल देते हैं। ठीक है, कहीं पर भी लिखना है, आप प्रमुख परीक्षा देनी है, कहीं भी कोई विशेष रूप से कोई शब्द या कोई बात किसी को बताना है तो आप इस प्रकार से लिखेंगे कि भारत की वर्तमान शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में ये स्थिति है। ठीक है, निम्नलिखित बातों पर विस्तार कीजिए। जैसे एग्जाम्पल क्या है, भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे की ओर आता है, भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे की ओर आता है। ठीक है, अगला क्या है, जो व्यक्ति समाज की विपरीत चलता है, जो व्यक्ति समाज के विपरीत चलता है उसको कोई नहीं जानता, जो व्यक्ति समाज के विपरीत चलता है उसको कोई नहीं पहचानता, पहचानता है। ठीक है, ठीक है, इस प्रकार से जो है हम लोग विवरण चिन्ह और अपूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला लिखिए, अगला कौन सा है, विस्मय बोल लिखिएगा। विस्मय बोधक विराम चिन्ह, सभी लोग उसका जब विस्मय बोधक विराम चिन्ह जहां पे लिखा हो वहां पे इसका चिन्ह जरूर लिखिए, बार बार चिन्ह को ये जब हम ध्यान रखेंगे तभी जो इसको प्रयोग करता है। ठीक है, परिभाषा लिखिएगा,
जिन वाक्यों में आश्चर्य करूंगा, घृणा, भय, विवाद, विस्मय आदि भावों की अभिव्यक्ति के लिए विस्मय विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। क्या लिखा? आश्चर्य करूंगा, घृणा, भय, विवाद, विस्मय आदि भावों के प्रकट करने के लिए विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाए। ठीक है, उदाहरण लिखिए, जैसे कल बारिश हुई थी, अरे ये वो किताब है, कल बारिश हुई थी तो हम लोग कभी विस्मय बोधक चिन्ह के परिप्रेक्ष्य में अगर अपने वाक्य को लिखेंगे तो उसको किस प्रकार से लिखेंगे। हम लोग बात कर रहे हैं आपस में कि कल बारिश हुई थी, सारी फसलों को नुकसान, नष्ट हो गई, खराब हो गई। ठीक, ये हमारा क्या है, पूर्ण विराम चिन्ह वाक्य है, इसमें पूर्ण विराम लगेगा। ठीक है, लेकिन इसी वाक्य को हम लोग ऐसे लिखते हैं, हाय हाय, ये वाला हाय नहीं तो ये मोबाइल वाटर को लेते हैं। ठीक है, हाय, कल रात में बारिश हुई, सारी आगे लिख लिया, हाय कल रात में बारिश हुई, सारी फसलें खराब हो गई। ठीक है, ये हमारा विस्मय बोधक चिन्ह के परिप्रेक्ष्य में वाक्य का हमने निर्माण किया। अरे ये क्या हो गया, अरे ये क्या हो गया, वाह क्या बात है भाई, आपने तो यार नीट की परीक्षा पास करी लेकिन पढ़े बिल्कुल नहीं। अरे पूछ लिया किधर है भाई, भाई सर थोड़ा बता दे, परीक्षा में हमने देखा नेट की परीक्षा दे रहे थे हम अभी एक साल पहले, हमारे पास में लड़की बैठी थी लखीमपुर, उसको कई क्वेश्चन नहीं आ रहे बाहर, उससे भी आपके, आप ये बताओ हम आपको यहाँ बता देंगे। मान लिया कि आप जब हायर स्टेशन में जब असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आएंगी उसमें आप अप्लाई करेंगे तब आपको कोई बता देगा, और इंटरव्यू में पैसा देके आपको बता दिया गया आपको नौकरी मिल गई, लेकिन जितना नौकरी मिलना आसान है कठिन है उससे ज़्यादा नौकरी करना है। जिस व्यक्ति की अपनी एक इमेज होती है, शिक्षक, वो शिक्षक क्या है, तो क्लासरूम के अंदर अपने बच्चों को अपनी ओर आकर्षित न करें। वो व्यक्ति क्या है जिसकी समाज में कोई वैल्यू ना हो, समाज उसको पहचाने ना, हमारा कोई कर्तव्य कोई धर्म नहीं है। अगर हमने समाज में हम मानव योनि में जन्म लिया है तो हमारा कर्तव्य है कि हमारे जो आदर्श हैं और हमारे जो बड़े लोग हैं जिनसे हमको कुछ प्राप्त हो रहा है उनका सम्मान करना, आह्वान करना हमारा धर्म है। क्यों भाई? तो बात यह है, अगला वाक्य लिखिएगा, अगला कौन सा है कुरान से, तो हाँ फिर अभी पूरी बात नहीं गुजरे थे, तो हमने कहा कि मान लिया यहाँ पर जाएगा जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन गई, मान लिया कि आपने नेट की परीक्षा पास कर ली, लेकिन नेट की परीक्षा पास करने के बाद ये मान लीजिए कि यूजीसी एक सर्टिफिकेट देता कि आप कहीं भी विश्वविद्यालय में पढ़ा सकते हैं, आपको पैसा मिलेगा, यूजीसी भी पैसा देती है, हम लोगों का अनुमोदन है, चाल का मिलता है बैठे बैठे, आ रहा कुछ नहीं है। ठीक, तो ये चीज़ है,
कौन सा चिन्ह है पढ़ा था क्या संबंध बोध है। देखिएगा जब हम किसी को संबोधित करते हैं तब संबोधन विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण लिखिएगा बताइएगा देखिएगा महोदय मुझे आपको कुछ कहना है। देखिएगा महोदय मुझे आपसे कुछ कहना है। लगाइए इसमें संबंध बोधक चिन्ह कहां पे कौन लगा रहा है बताइए। कितने लोग हैं जिन्होंने महोदय को आदमी लगाया? अरे आप थोड़ा बता दो भाई जान, आपका लेवल थोड़ा बड़ा है बोल दो। कई लोग हैं हाथ इतने लोग उठा रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, महोदय की बात हो गई ठीक है। जब हम किसी को संबोधित करते हैं तथा संबोधन विराम चिन्ह का तब वहां पर प्रयोग किया जाता है। महोदय बोले आपको कुछ बात। अगला क्या है जी बोधक चिन्ह? देखिए बहुत ही अल्प विराम के बाद का इंपॉर्टेंट विराम चिन्ह ठीक है। देखिएगा बोधक चिन्ह इसी को हम संबंध विराम चिन्ह भी कहते हैं। देखिए बता योजक अथवा संबंध विराम चिन्ह निम्नलिखित स्थितियों में प्रयोग किया जाता है। नई लाइन लिखिएगा नोट में। जब दो विशेषण पदों का संज्ञा के अर्थ में प्रयोग हो तो नई लाइन लिखिएगा जिन शब्द में और छुपा रहता है जिन शब्दों में और छिपा रहता है वहां पर भी हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं ठीक है। जैसे हर्ष विषाद, हर्ष हम लोग इसको हम हर्ष और विषाद ठीक। लेकिन अगर हम ऐसे लिखते हैं हर्ष विषाद ये भी सही है ठीक है। हर्ष विषाद राग द्वेष ठीक है। राग द्वेष ठीक है। फिर अगली नई लाइन से लिखिएगा जब समानार्थी युग्म, जब समानार्थी युग्म शब्दों का निर्माण किया जाता है। समानार्थी का आप लोग जानते हैं समानार्थी शब्द का अर्थ क्या होता है आप बताएंगे भाई पीछे। हेलो मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा। आपसे पूछा था आप बताएंगे भाई। मैं आपसे खुश हूं इसीलिए पूछ रहा हूं जी। ये रही बात भाई। चलिए कोई बात नहीं, बताना नहीं चाह रहे हो। समानार्थी जब दो शब्दों के समान
देखने में वो अलग अलग है लेकिन उनका आसमान समान। अच्छा हमने कहा आसमान बोला है, जैसे धन दौलत देखो लिख लो, देखो लिख लोगे तो ध्यान दो, बाकी आपकी इच्छा है मैं कोई किसी को प्रेशर नहीं देना कोई लिखे या नहीं लिखे, लेकिन देखिए परिभाषा कोई टीचर घट के नहीं आएगा जो आपको ऐसे बोल देगा, कुछ चीज मिस हो जाए कहीं गलत भी हो सकता है। तो इसमें मैं नोट कराता हूँ मेरी सरकार का धन दौलत मान सम्मान, मान का अर्थ भी है सम्मान करना और सम्मान का अर्थ भी है सम्मान। नहीं लाइन से लिखिएगा, जब मूल क्रिया के साथ प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग किया जाता है तब वहां पर बोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। इस तरह से आपने इन शब्दों में लिख दो जैसे आपको सुनो जैसे तो समाज सबसे थोड़ा कठिन लग रहा हो अपने हिसाब से, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप लोग मुख्य परीक्षा देंगे मैं बार बार कह रहा हूँ विधानसभा का आप अवश्य ध्यान रखना, कहीं भी जाना कहीं भी लिखना पढ़ाना कुछ भी करना ठीक है सर। आ लीजिए मिलना, मिलना क्या है मूल क्रिया है, मिलाना क्या है कोई मिला रहा है किसी को मतलब भैया हमको मिला देते हमको मिला देते यानी कि प्रेरणार्थक हमको मिला दो क्योंकि भाई आपसे रिक्वेस्ट है मैं आपको प्रार्थना करता हूँ कि आप हमको भी मिला दो क्यों भाई आप नाम बता दो खड़े होकर बताओ सब। अरे मैं तो नहीं जानता कौशल, अरे वाह कौशल साहब का अर्थ क्या होगा ठीक इसकी भाई देखो हिंदी की क्लास में अंग्रेजी अगर इंग्लिश आती होती तो भाई अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ाता है यहाँ पे जी क्या लिखा क्या मिलना मिलाना ठीक है रोना रुलाना क्या बोले वो देखो यहाँ पर रोना रुलाना इसी में लिखना है रोना रुलाना हंसना हंसाना ठीक है। आप यहीं से आप करते हैं अभी बैठे अभी टाइम से बोल रहे कितने हो गए फिलहाल से कितने बच्चे अभी और भी लिखने सारे लिखे कितने थे हम लोगों चार तो मैंने लिखाया है वीडियो बनाने के लिए और लिखने को चार और लिखे अच्छा कितना लिखा है आप मुझे बताइए देखिए क्लास का समय थोड़ा भाव है टाइम ज्यादा हो जाता है यानी के बाद बात सीखते अगर आप लोगों की इच्छा हो तो आप उसे ग्रुप बना सकते हैं हिंदी का, मैं उसमें कुछ मैटर डालता रहूँगा आप लोग उसको पढ़ सकते हैं ठीक है। अलिन जी बना लीजिए ना आपको आप लोगों की स्वेच्छा हो तो आप लोगों की अगर इच्छा हो बना लीजिए ना ठीक है। और दूसरी चीज उसमें मैटर होगा क्योंकि क्लासेज को हमें लगता है पेपर कर लो जब तक हिंदी भूल जाते होंगे आप लोग कि कोई हिंदी पढ़ाने आता है मैम जगह ही नहीं बार बार लगवाई थी मैम जगह ही नहीं देखी बार बार आता लगवाया ठीक है। ऐसा होगा ना जब रेगुलर होती रहती है तीन दिन को हम लोग मिले देखिए मैटर की कमी नहीं है मैटर आपको ऐसा हो ग्राम सिंह लगता है जी भाई थोड़ा तेज होगा मुझे सुनाई दे रहा है
मैं आपकी बात को सुनने को बड़ा आतुर रहता हूँ। ठीक है, बाकी हिंदी भी पढ़ते रहिए, विराम चिन्ह पर चूक की आवश्यक है।